छत्तीसगढ़ बस्तर माओवादियों द्वारा हर साल अपने साथियों की याद में PLGS सप्ताह मनाते हैं और इस दौरान माओवादी किसी भी घटना को अंजाम देने की कोशिश में भी लगे रहते हैं। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक माओवादी अंदरूनी इलाकों में बैठक कर मुठभेड़ में मारे गए साथियों को याद करते हैं और किसी भी बड़ी घटना को लेकर इलाके में बैठक भी करते हैं। साथ ही सड़कों की क्षतिग्रस्त करने के अलावा आगजनी घटना को भी अंजाम देते हैं। वहीं माओवादियों द्वारा मनाए जाने वाले PLGS सप्ताह को देखते हुए पूरे बस्तर को अलर्ट रखा गया और संभाग के सभी जिलों के SPO को भी सतर्क रहने के निर्देश बस्तर IG ने दिए हैं। वहीं बस्तर IG ने कहा कि सुरक्षा में लगे सभी जवानों को अलर्ट रहने और इलाकों में सर्चिंग तेज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा CRPF, DRG, BSF, कोरबा सहित सभी जवानों को सतर्क रहने और कैंपों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट कर दिया गया है ताकि माओवादी इस दौरान कोई भी घटना को अंजाम न दे सके। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीआई माओवादी संगठन द्वारा PLGS सप्ताह मनाते हुए इस दौरान सुरक्षा बल के ऊपर हमला करना या अन्य किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम देने का उनका एक प्रयास रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए इलाके में सभी सुरक्षा बल को अलर्ट किए गए थे। CRPF, BSF, ITP, PSSBM, हमारा पास उपलब्ध स्पेशल फोर्सेज जैसा DRG, STF, कोबरा, सभी फोर्सेज के माध्यम से अंदरूनी एवं सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार अभी अभियान संचालित की जा रही है। इस दौरान जनता का जान माल को रक्षा करने का और पब्लिक प्रॉपर्टीज के किसी प्रकार का नुकसान ना हो और अपना सुरक्षा बल कैंप सब सुरक्षित रहे, उसी हिसाब से ये कार्य योजना तहत अभी लगातार ऑपरेशन संचालित की जा रही है और पूरा कोशिश है कि मतलब इस अवधि में किसी प्रकार का कोई बड़ी वारदात नक्सली अंजाम ना दे पाए, उसी हिसाब से कार्रवाई की जा रही है।